जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आयकर विभाग की संशोधित वेबसाइट लॉन्च हो गई है। ऑनलाइन रिटर्न भरने से लेकर अनेक कार्य आसान हो जाएंगे। अब महानिदेशक आयकर सिस्टम्स की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस उदयपुर में लॉन्चिंग की गई है। सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने इसकी लॉन्चिंग की है। आज उदयपुर आए थे सीबीडीटी अध्यक्ष नितिन गुप्ता और नई सुविधाओं को अपडेट किया गया है। करदाताओं के अनुभव और तकनीक को आधार बनाया गया है। संशोधित वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट के साथ डिजाइन किया गया है और मेगा वेन्यू का विकल्प करदाताओं को मिलेगा। उदयपुर के होटल रेडिसन ब्लू में महानिदेशक आयकर सिस्टम्स की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई। शुक्रवार को दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी। आयकर सिस्टम से जुड़े करीब 80 वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। आयकर सिस्टम से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। राज्य की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त भी उदयपुर में मौजूद रही। इरिना गर्ग राज्य की PCCIT हैं। विमल कोठारी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विमल, संशोधित वेबसाइट लॉन्च कर दी है, करदाताओं को बेहद फायदा मिलेगा इससे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन है नितिन गुप्ता, इन्होंने इस वेबसाइट की लॉन्चिंग की है। आयकर विभाग की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को नए रूप रंग में लॉन्च किया गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, इस लॉन्चिंग के बाद में इसमें जो करदाताओं को सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में इजाफा होगा और करदाताओं को बेहतर ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। मैं दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि उदयपुर में दो दिन से महानिदेशक आयकर सिस्टम्स की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बेसिकली जो चिंतन किया गया था वो यही किया गया था कि इनकम टैक्स के अंदर जो ऑनलाइन काम होते हैं, ऑनलाइन सिस्टम होते हैं, जो सॉफ्टवेयर है और इसके अलावा जो भी टूल्स वगैरह विकसित किए जाते हैं उनमें जो समस्याएं आ रही है या उनको जो अपनी मौजूदा टूल्स और मौजूदा जो उपलब्ध वेबसाइट पर जो जानकारी है उनको और किस तरह से बेहतर किया जाए। इस दो दिन के कॉन्फ्रेंस को इम्पोर्टेंट इसलिए भी माना जा सकता है कि इसमें जो महानिदेशक आयकर सिस्टम्स है आयकर विभाग का, इसमें देश भर के शीर्ष 80 अधिकारी मौजूद रहे थे और ये सभी के सभी अधिकारी उदयपुर में मौजूद रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस की का महत्व इस कॉन्फ्रेंस के महत्व का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता तक उपस्थित रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विमल कोठारी आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको ये जानकारी हमारे सहयोगी विमल कोठारी दे रहे थे।